नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, आर ओ ए आर ओ का पेपर आज चल रहा है और पहला पेपर खत्म हो गया है। जो जनरल स्टडी का पेपर था वो खत्म हो गया 11:30 बजे, 2 घंटे का पेपर था। कुल मिला के मैं अगर बात करूँ इस पेपर के बारे में तो थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड पेपर ज़्यादा था। जो सवाल पूछे गए थे वो भी थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा थे। यार, सेंसस 2011 से लगभग 14-15 सवाल पूछे गए, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि मतलब जनसंख्या जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है और उससे संबंधित लगभग 14 या 15 सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन के सवाल है, जिसमें रीजनिंग का जो सवाल है, रीजनिंग से भी ठीक ठाक सवाल पूछे गए थे। भूगोल के सवालों में कुछ सवाल जो थे वो अनट्रेडिशनल पूछे गए, जैसे कि जापान से संबंधित एक सवाल पूछा गया था और इसमें ये पूछा गया था दीपों के बारे में, पूछा गया था कि दीपों को अरेंज कीजिए। और इसमें सवाल था कि मैं बता देता हूँ आपको, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम कौन सही है? होकाइडो, होन्सु, क्यूसु, सुकोकु, इनको सेट करना था। तो इस तरीके के सवालों की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन फिर भी मिला के पेपर आन एवरेज था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, भारतीय इतिहास से सभी सवाल पूछे गए, तो हर बार पूछा ही जाता है। और उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो पूछा गया। और मतलब मिला जुला के जो पेपर था, बहुत टफ नहीं कह सकते आप, पेपर जो था वो अच्छा ही था और बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया भी होगा। 100 से ऊपर कुछ लोगों ने सही किया होगा। हो सकता है कि कट ऑफ अब कितनी जाएगी इसके बारे में तो बाद में डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि अभी सेकंड पेपर जो हिंदी वाला बचा हुआ है तो हिंदी वाला पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि टोटल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तब तक वही नज़र बनी हुई है। वैसे पेपर जो है आने वाला था, और जो पेपर होगा वो मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने वेबसाइट पर भी। तो अगर आप लोग इसको पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा @studywithgyanprakash। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।